स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष में ही 13वां वस्त्र धारण कर लिया था और इसके बाद पैदल ही उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। दोस्तों, अपनी मृत्यु के समय स्वामी विवेकानंद जी को 31 से अधिक बीमारियां थी, जिनमें से एक बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना भी था। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी और कहा कि यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, हमें एक और विवेकानंद चाहिए। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे तक ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली थी। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। उनकी अंत्येष्टि बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा के तट पर दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र 39 वर्ष थी। विवेकानंद जी ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही यह भविष्यवाणी कर रखी थी कि वह 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया।